मैं आपसे छीनने आया हूं कॉन्फिडेंस और प्रोत्साहन, और मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं दिल से कह रहा हूं, मैं ऐसे ही कोई स्पीच मैं लिखकर लाया था वो पढ़ नहीं रहा हूं, मेरे दिल में जो बात आई है वो मैं आपको बता रहा हूं। द मेन थिंग इज कि जब आपको मेडल्स मिलेंगे इंशाल्लाह, कुछ जीत होगी कुछ हार होगी, स्पोर्ट्स में होता ही ऐसा, तो वो मेडल्स जो है एक्चुअली वो फॉर्चुनेट है कि आप उन्हें जीत रहे हैं, आप फॉर्चुनेट नहीं है कि वो मेडल्स जो है आपको मिले। और ये सच्ची बात है, ये उनका श्रेय बढ़ाता है। और मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे, और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ, अभी एशिया पैरा गेम्स आ रही तो मैं उसको फॉलो करूंगा, मैं उसका फैन रहूंगा, और मैं सब बच्चों से, जितने भी लोग स्पोर्ट्स देखते हैं, मैं ये आग्रह करूंगा कि जब भी ये टीवी पे आए, इंटरनेट पे आए, जहां पर भी आए, हम लोग अपना प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप सबको चीयर करें। जितना आप जीतेंगे उतना हम जीतने का हौसला बनाएंगे। और ये थोड़ा सेल्फिश ही है, लेकिन ये मैं बहुत दिल से कह रहा हूँ, और मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा ठीक ठाक वहाँ पर खेलें अच्छी तरह, हर जिस भी कैपेसिटी में आप लोग उस स्पोर्ट में भाग ले रहे हैं अच्छी तरह हो जाए, कोई तकलीफ ना पहुँचे, यू डू योर बेस्ट एंड यू लीव द रेस्ट। और मैं आपसे ये चाहूँगा कि आज मैं जब यहाँ से जाऊँ आपसे मिलकर, आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि मैं आपकी तरह मुकम्मल और पूरा इंसान बन सकूं। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहा था मैंने इवेंट की शुरुआत में कि आज जब आप यहाँ से जाएंगे तो बहुत इंस्पायर फील करेंगे, बहुत मोटिवेटेड फील करेंगे। एंड एज शाहरुख खान सेज, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हौसले अगर बुलंद हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। हौसले, नामुमकिन, जज्बा, पैशन, इन सब अक्षरों के पर्यायवाची हैं हमारे पैरा एथलीट्स। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं उनकी जिंदगी की कुछ खास झलक। कैन वी हैव द एवी प्लीज। நான் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசில் ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கும்போதே பஸ் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. அப்போ நான் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது சிக்ஸ் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும்போது எல்லாரும் ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லா ஈவெண்ட்டும் ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ வந்து நான் கேட்டிருக்க ஆரம்பிக்கலை, ஹை ஜம்ப் மட்டும் யாரும் பண்ணாமல் இருந்தாங்க. அப்போ போய் நான் சும்மா ஈவினிங் டைமில் போய் ட்ரைனிங் பண்ணிட்டு இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். मैंने स्पोर्ट्स बहुत लेट ज्वाइन किया था। मैं पैरालाइज 30 इयर्स की एज में हुई थी एंड 36 ईयर ऑफ माय लाइफ मैंने एज अ स्विमर अपना करियर शुरू किया था, और सीरियस टर्न मेरे करियर ने लिया एट द एज ऑफ 40। मेरी ये शुरू से आदत थी कि मैं मतलब मैं स्पोर्ट्स में भी इसलिए गया क्योंकि जितने भी बाकी मेरे क्लासमेट्स थे वो सब या तो डॉक्टर बनना चाहते थे या फिर इंजीनियर या कोई इस फील्ड में जाना चाहते थे। मैं कुछ अलग करना चाहता था, और पहले बाकी एथलीट्स को देखा है इंडिया की तरफ से खेलते हुए, कम्पीट करते हुए, और मैंने टीवी पर मैं काफ़ी देखता था पहले, मैं हाई जंप काफ़ी देखता था, तो मुझे लगता था कि मैं भी ये कभी ट्राई कर पहनूँगा। मेरे 2007 में एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी, और उससे पहले मैं स्कूल टाइम में हॉकी खेलता था, तो कहीं ना कहीं वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी जिसने मुझे पुश किया। और इवन जब मैं शुरू कर रहा था तो पता ही नहीं था कि इस इंजरी में भी स्पोर्ट्स कर सकते हैं। इवन उस टाइम पे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी उनको भी नहीं पता था कि इतनी बड़ी डिसेबिलिटी में भी कोई खेल सकता है, क्योंकि पहले कोई एथलीट खेला ही नहीं था। तो वो मैंने सोचा, डिसाइड किया, कोशिश की, और आज आपके सामने हूँ, मैं खेल भी रहा हूँ और दूसरों को खिला भी रहा हूँ। वो फेस काफ़ी चैलेंजिंग था, पर हम लोगों ने, आप अगर कोशिश करते हैं तो नो डाउट आपको चारों तरफ से सपोर्ट भी मिलती है, आप मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट भी आता है। 40 एक ऐसी वर्ष होता है स्त्री के लिए उसके जीवन में जब मिडिल एज सेट इन हो रही होती है, एक विमेन को आइडेंटिटी क्राइसिस ऑलरेडी होने लगता है, और अगर वो लेडी चेस्ट बिलो पैरालाइज्ड हो तो उसकी आइडेंटिटी और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है कि आप व्हीलचेयर पे बैठी हुई एक 40 वर्ष महिला है, आपका वजूद क्या है। लेकिन जैसे ही मैंने वो अपना इंडिया का ट्रैक सूट पहना और तिरंगे झंडे के नीचे मेडल जीत कर तिरंगे को हाथ में पकड़ा तो मेरी होल आइडेंटिटी चेंज। जब मैंने पहली बार इंडिया का कलर पहना और मैं फर्स्ट टाइम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो शायद अब तक का मुझे वो लगता है कि मेरी वो सबसे बड़ी अचीवमेंट में एक था। उसके बाद इतने मेडल जीते, पर वो जो पहली बार जो पैशन आपके अंदर और जो एक एनर्जी होती है उसका अलग ही।
पिछले दो साल से रियो के बाद हम लोगों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली, वहाँ भी मैंने अपना बेस्ट नियर अबाउट दिया है और मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे और मेरा टारगेट यही है कि मैं कंट्री के लिए बेस्ट परफॉर्म करूं। जिस तरह इंडिया पैरालंपिक्स में उभर के आ रहा है और पैरा एथलेटिक और बाकी जो भी पैरा गेम्स हैं उनमें जिस तरीके से इंडिया कम्पीट कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि इस बार हम मेडल रिकॉर्ड जरूर तोड़ेंगे एशियन पैरा गेम्स में, और इस बार सबसे ज़्यादा मेडल्स आएंगे इंडिया के। எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபஸ்ட்டு ஏஷியன் கேம்ஸு, ஃபஸ்ட் டைம் போகிறேன். ஆனால் இப்போ இந்தியாவுக்கு வந்து நிறைய பேர் பார்ட்டிசிபேஷன் பண்ணுறாங்க, ஆனால் ரொம்ப மெடல் வரணும்னு நான் வந்து எதிர்பார்க்குறேன். ரொம்ப மெடல் நிறையா வந்தால் தான் நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து பேர் இன்னும் கிடைக்கும், இந்தியா வந்து டாப்பில் கொண்டு போகணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒலிம்பிக்ஸ்லாம் டிவியில் பார்ப்போம், ஆனால் யாரும் கோல்டு மெடலில் வராது. அப்போ வந்து ஃபீல் வரும் நம்ம கோல்டு மெடல் தான் இந்தியாவுக்கு நல்லா இது வரணும். அப்போ முடிவு பண்ணேன், நான் நம்மளால் ட்ரை பண்ணி நம்ம வந்து கோல்டு மெடல் வர வைக்கணும், இந்தியாவுக்கு நம்மளால் பேர் வர வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனேன். इस बार जो मैं मैच किया है मैच मैंने अपने ओलंपिक टाइम में भी नहीं की थी, तो मैं चाह रहा हूँ इस बार मैं अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर रहा हूँ। Clear at this height. Three left in it. All eyes on this event at the moment. Nothing else going on in the stadium except this high jump. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது, அழகே வந்தது. நம்ம இந்தியாவுக்கோசரம் விளையாண்டு கோல்டு மெடல் அடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம இந்தியா தமிழ்நாடு இந்தியா ஃபுல்லாக எல்லோரும் வீட்டிலேருந்து எல்லோரும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க இந்தியாவுக்கோசரம் விளையாண்டு மெடல் அடிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு. एक खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा जॉय होता है अपने देश के लिए खेलना, और जब वो मेडल जीतता है तो केवल उसका मेडल नहीं होता, वो 121 करोड़ लोगों का मेडल बनता है।